आज हम सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत के अंतर्गत संसाधन कम पढ़ रहे थे, जो कि हम पार्ट थ्री पढ़ेंगे इस बार आज, जिसमें संसाधन क्या है वह मैंने बता दी थी। अब संसाधनों के संरक्षण के बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि संसाधनों का संरक्षण जो है, संसाधन किसी भी तरह के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग जो होता है, अति उपभोग से कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती, जैसे कि वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों को द्वारा चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने भी संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता के शब्द व्यक्त किए थे, जो हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब इससे ये समझ में आता है कि आवश्यकता हमको जितनी है उतनी ही करनी चाहिए, ना कि लालच के कारण हम पर्यावरण या संसाधन का इतना ज़्यादा दोहन कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करके रख लेते हैं, जैसे कि पेटी भर के रख लिए, जो कि हमारे लिए उपयोग हो ही नहीं रहा, वह रखा है तो रखा ही है। उसी प्रकार से उनके अनुसार जैसे विश्व स्तर के संसाधन के हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी थे। अब हम देखेंगे भू संसाधन। जिस तरह से हमने बताया संसाधन कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले भू संसाधन यानी भूमि संसाधन जो है, मृदा संसाधन भी हम कहते हैं, तो वह है। तो हम भूमि पर रहते हैं, इसके अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जो कि हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक उपहार है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। ये सारी चीजें जो है भूमि पर ही आधारित होती हैं, जिसको कि हम भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से ही हम उसका उपभोग करना चाहिए और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी करते जाना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% जो है भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, और पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी प्रदान करते हैं, जिससे कि विदेशी मुद्राएँ भी प्राप्त होती हैं। और पारिस्थितिक के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लगभग 27% हिस्सा ही पठारी क्षेत्र है। इसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय कोष हैं। जैसा कि अब यहाँ पर देखेंगे सामान्य भू क्षेत्र संवर्ग जो 60-61 में किया गया था, फिर यहाँ 14-15 में किया गया था। आप देखेंगे कि ये जो कलर्स दिए हुए, जैसे बंजर भूमि है, कृषि अयोग्य भूमि है, कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र है, स्थायी चारागाह रहे हैं, अन्य गोचर हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है कलर के द्वारा आपको ये नक्शे में दिखाया गया है। ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। भारत के भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व है, जो प्रौद्योगिकी क्षमता की संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 93% भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, और पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्रों की भूमि का उपयोग भी सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है कि पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान में पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है, इन पर फसलें उगाने और कृषि की लागत बहुत ज़्यादा है, तथा भूमि में 2 या 3 वर्षों में एक दो बार बोया जाता है, इसलिए एक दो बार बोया जाता है ताकि उन्हें पड़ती छोड़ने के पश्चात फिर वह 2-1 साल बाद यदि खेती करेंगे तभी उनकी खेती हो पाएगी। शुद्ध बोए गए जो क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन भारत के कुल सूचित क्षेत्र में जो लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। फिर है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि को हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत 56% जल आपादित है, जिसमें कि शेष क्षेत्र जो है लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाकर्म, वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भी भूमि के निम्नीकरण की भूमिका निभाई गई है।
अब इन सब से हमने ये सबक लिया कि संसाधन का हम संरक्षण कैसे करना है। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार बताइए, भू संसाधन क्या है, भू संसाधन का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, ये कॉपी में आप लोग को नोट्स बनाना।